हेलो बच्चों, आपका मेरे मिशन लक्ष्य चैनल पर स्वागत है। और यहाँ पर हम लोग जैसे NTA UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट की, तो इससे आज हम लोग पढ़ेंगे जो वेस्टर्न थिंकर हैं नील नोडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले के जो टॉपिक हैं वो सब कवर हो चुके हैं, आप मेरे चैनल पर देख कर उनको चैनल पर देख सकते हैं। तो बच्चों, जो नील नोडिंग्स थी इनके बारे में हम लोग जो आज पढ़ेंगे, इनका जन्म जो हुआ था वो 19 जनवरी को 1929 में अमेरिका में हुआ था। और जो नील नोडिंग्स थी ये अमेरिका की एक प्रसिद्ध दार्शनिक थी, यानी एजुकेटर थी और एक फिलोसोफर थी। उन्होंने नारीवादी की फेमिनिस्ट पर भी कार्य किया। अब ये नारीवाद क्या होता है? नारीवाद का अर्थ है कि जो महिलाओं के या लड़कियों के अधिकारों के लिए, उनके मतलब इक्वलिटी के लिए, समानता के लिए, यानी मेंस के बराबर एक तरह से जो उनके अधिकारों के लिए कार्य करते हैं उनको हम नारीवादी या फेमिनिस्ट कहते हैं। तो उन्होंने जैसे कि पहले का समाज भी, और अब तो थोड़ा कम है, लेकिन पहले के समाज में हम लोग देखते हैं तो पितृ जो पिता होता था उसकी ही बातों को, जो मतलब एक तरह से जो निर्णय लेने का अधिकार होता था वो पुरुषों को ही होता था, यानी पितृ सत्तात्मक सत्ता थी उस टाइम। जो पिता की एक तरह से जो सत्ता कहते हैं कि पिता की ही चलती थी। तो कोई भी जैसे बच्चों का शादी का है, कोई भी निर्णय लेना हो तो वो जो है वो पिता जो था उसको ही ये अधिकार था, और लड़कियों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। ये बच्चों ये नहीं कि ये इंडिया ही में था, ये वेस्टर्न कंट्रीज सोचिए, वहाँ पे भी औरतों को, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, और उनको भी बस घर के एक उपभोग की वस्तु मान के और घर गृहस्थी का कार्य करने के लिए ही वही चीज़ें उनको सिखाई जाती थी। तो जो नील नोडिंग थे इन्होंने मतलब उनकी जो महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य किया, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ये इन्होंने फेमिनिस्ट एक ये थी। और उन्होंने सबसे ज़्यादा शिक्षा दर्शन में कार्य करने के लिए उन्हें जाना जाता है। शिक्षा दर्शन, जैसे कि हम लोग यहाँ पे शिक्षा पढ़ रहे हैं, एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने जो है इस जो शिक्षा शास्त्र में है बहुत कार्य किया है, इसके बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य किया है। तो सबसे ज़्यादा इनको, ये फेमिनिस्ट तो थी, ये दार्शनिक थी, शिक्षाविद थी, इनको सबसे ज़्यादा जो हम लोग जानते हैं वो शिक्षा दर्शन में कार्य करने के लिए जानते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, जो नील नोडिंग थी तो इन्होंने एजुकेशन सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम है, प्रशासन है, उसके विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया है। और उनका काफ़ी बड़ा परिवार था, उनके 10 बच्चे थे, ये भी बताया गया। ये इसीलिए बताया गया, यहाँ पे इसको बताने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन ये इसीलिए बताया गया है कि जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो उन्होंने अपनी फिलॉसफी, जो अपने थॉट रखे हैं, तो उनके जो इतनी केयरिंग थी कि वो अपने करियर को आगे बढ़ाते हुए किस तरीके से अपने बच्चों की केयर की, और कितना अच्छा उन लोगों को अनुशासन और लविंग और हैप्पीनेस वाला जीवन दिया, और किस तरीके से अपने जिम्मेदारियों को निभाया है, उस तरीके से बताया गया है कि जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे वो देखिए। तो उन्होंने 17 वर्ष एक प्राथमिक विद्यालय, जो आपके प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राइमरी जो स्कूल है उनमें पढ़ाया, और हाई स्कूल में मैथ की शिक्षक रहीं। अब 4 पॉइंट में देखिए कि शिक्षा शास्त्र में रुचि के कारण ही PhD भी की। अब जैसे कि बच्चे हम लोग पढ़ रहे हैं कि उन्होंने मैथ की टीचर थी, तो मैथ की टीचर और फिलॉसफी जो शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में कैसे आ गई, तो इनकी एक टीचर थी जो इनको, उनसे ही काफ़ी उनकी, उनसे बहुत प्रेरित थी, उनकी जो उनकी केयरिंग भावना थी और जो उनकी बच्चों के साथ अप्रोच थी उनको आगे बढ़ाने की, उस भावना से बहुत मतलब प्रेरित हुई और शिक्षा शास्त्र की तरफ, एजुकेशन की तरफ इनका रुझान हुआ, और इन्होंने PhD की।
और इन्होंने बुक भी लिखी है इंट्यूशन इन एजुकेशन। अब फिफ्थ पॉइंट है, इसमें है कि फेमिनिज्म जो नारीवाद है, यहाँ पे क्या बात होती है, वुमेन राइट की एंड इक्वलिटी की बात होती है, यानी कि जो वो नारियाँ हैं या महिलाएं हैं उनको भी पुरुषों के समान ही हर चीज़ में अधिकार होना चाहिए, हर निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। अगर वो कहीं जॉब कर रही हैं तो उनको समान सैलरी मिलनी चाहिए, और जैसे संसद है या कोई राजनीतिक दल है, कहीं भी उनको चुने जाने का पूरा अधिकार जैसे पुरुषों को होता है, उसी तरीके से उनको भी अधिकार होना चाहिए। घर में अगर कोई डिसीजन लेना है तो उनको भी यह अधिकार होना चाहिए। तो उन्होंने मतलब नारीवाद यानी कि महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य किया। और सिक्स पॉइंट देखते हैं कि उन्होंने रिलेशन एथिक्स की बात करती हैं। एथिक्स यानी कि नैतिकता, रिलेशन जो कि हमारे रिश्ते होते हैं उनमें जो हम एथिक्स की बात करते हैं उसमें कौन सा एथिक्स होता है, केयरिंग। केयरिंग सबसे ज़्यादा होता है जब हम लोग रिलेशन में हैं। ये पूरी सृष्टि या पूरा वर्ल्ड, हम जो एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे परिवार, फिर परिवार से ही सोसाइटी बनती है, सोसाइटी से फिर पूरा देश बनता है, देशों और पूरे देशों से फिर वर्ल्ड बनता है। तो हम लोग एक तरह से रिश्तों में, रिलेशन में जुड़े हुए हैं, और जो रिलेशन में जो हमारी जो सबसे बड़ी नैतिकता है वो है केयरिंग करने की नैतिकता, यानी कि देखभाल करने की नैतिकता। यानी कि अगर हम माता पिता हैं तो बच्चों की तरफ हमारे क्या देखभाल करते हैं, उनकी केयर करते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं हम लोगों के, इमोशनली हम लोग कितना जुड़े होते हैं। और अगर हम लोग टीचर हैं तो टीचर बच्चों की कैसे उनको देखभाल करते हैं या उनकी कितनी केयर करते हैं, इस तरीके से इन्होंने बताया है। सेवन पॉइंट देखते हैं, और इन्होंने एक बुक लिखी है कि केयरिंग आ फेमिनिम अप्रोच टू एथिक्स एंड मोरल एजुकेशन। जो एथिक्स है, नैतिकता है, और जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हम अपने घरों में वैल्यूज सीखते हैं, ईमानदारी, झूठ मत बोलो या सच बोलो, इस तरीके जो वैल्यूज हम सीखते हैं, मॉरल वैल्यू जो सीखते हैं, उनके बारे में इन्होंने बुक लिखी है। और सेवन पॉइंट देखते हैं, सेवन पॉइंट है कि स्कूलों के लिए, जो स्कूलों में हम पाठ्यचर्या होती है, करिकुलम होता है, करिकुलम डेवलप जो करने का कार्य भी उन्होंने किया है, करिकुलम डेवलपर कर भी उन्होंने अपनी इस क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी सेवा दी है कि किस तरीके से जो पाठ्यचर्या है उसको किस तरीके से सेलेक्ट करना है, कैसे उसका विकास करना है, इस बारे में भी उन्होंने कार्य किया है। एट पॉइंट है कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के क्षेत्र में इनका बहुत कार्य है, और एथिक्स के, अगर आपके क्वेश्चन में ये आप देखते हैं कि एथिक्स की बात हो रही है और केयरिंग मॉडल की बात हो रही है, एथिक्स में भी केयर जो है, केयर मॉडल है, इसकी बात हो रही है, तो आप नेल नोडिंग पे टिक कर सकते हैं। तो इन्होंने जो कार्य किया है एजुकेशन के क्षेत्र में, नंबर वन एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य किया है, और एथिक्स के क्षेत्र में यानी कि मॉरल वैल्यूज़ के बारे में इन्होंने बात की है, जिसमें कि केयरिंग मॉडल इनका बहुत मशहूर है। अब नाइन पॉइंट है वो देखते हैं कि वह जो थी वो फिलोसोफर ऑफ एजुकेशन सोसाइटी, इसकी वो प्रेसिडेंट भी रहीं। आगे चल के उन्होंने कहाँ से अपनी वो एक तरह से पहले प्राइमरी में पढ़ाया, फिर हाई स्कूल, और फिर वो उन्होंने प्रोफेसर रही, फिर डीन बनी और पीएचडी की। ये मतलब एक तरह से उनका करियर जो था, कितना लंबा करियर था, और वो एजुकेशन के क्षेत्र में, वो एजुकेशन सोसाइटी जो थी उसमें वो प्रेसिडेंट रही, कितनी बड़ी पोस्ट पर थी। और जो जॉन डीवी जो एक फिलोसोफर हैं, उनकी सोसाइटी जो थी एजुकेशन सोसाइटी, उससे भी जुड़ी। तो जब उनकी सोसाइटी से जुड़ी या तो निश्चित रूप से उनके विचारों से, जॉन डीवी के विचारों से वो भी प्रभावित हुई, और उन्होंने जो उनके थॉट थे, जॉन डीवी के थॉट से उन्होंने भी वो प्रभावित हुई, और उन जो विचार आपको जो थॉट जॉन डीवी में मिलेंगे वही इनकी इनके में भी या इनकी बुक्स में भी मिलेंगे। तो इन्होंने एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी इन द 21st सेंचुरी, ये बुक भी इन्होंने लिखी है।
ये बुक्स बच्चों आपको तो याद करनी पड़ेगी, क्योंकि बुक्स पे ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं और उनके जो राइटर्स होते हैं वो लिखे होते हैं, उनको आपको देखना पड़ता है। तो बुक्स तो आपको याद करनी पड़ेंगी, लेकिन इसका एक तरीका है कि आप लोग ये कर सकते हैं कि कोई भी फिलॉसफर जब आप पढ़ते हैं तो जब आप उसके उनकी बुकों को देखते हैं और ध्यान से उनकी बुकों के जो जो लाइन्स हैं, जो टाइटल्स हैं, उनको पढ़ते हैं तो उनके जो थॉट हैं वो सारे उसमें आपको उभर के, सारे थॉट उसमें उभर के आते हैं। आप अगर उनकी बुकों को पढ़ते हैं तो उन उस फिलॉसफर के क्या थॉट हैं, उन्होंने किस बारे में बात की है, वो आप आसानी से समझ सकते हैं अगर उनकी बुकों को जानते हैं। तो इनकी जो एक और उन्होंने थ्योरी ऑफ वैल्यू, जो मैंने आपको बताया है कि मॉरल वैल्यू पे भी उन्होंने बहुत बात की है। तो इनकी बुकें जो हैं वो हैं द गुड लाइफ, इन्होंने लिखा है कि लाइफ जो है वो किस तरीके से उसको हैप्पी या अच्छा बनाया जा सकता है। दूसरा उन्होंने लिखा है कि द चैलेंजेस टू केयर इन स्कूल, जो स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं या बच्चे पढ़ते हैं वहाँ हम केयरिंग, जो केयरिंग हमारा केयरिंग करने की जो हमारी भावना है उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से टीचर मदद करते हैं, उस बारे में कौन कौन से चैलेंजेस सामने आते हैं उसके बारे में इन्होंने लिखा है। थर्ड बुक है इनकी एजुकेटिंग मोरल पीपल, मतलब जो बच्चों, जब लोगों को शिक्षित किया जाए तो किस तरीके से शिक्षा में मॉरल वैल्यूज़ को सिखाया जाए ताकि उनको जो जीवन है आगे वो बहुत अच्छा बने। और बच्चों देखिए जो समय है पहले का, देखिए मॉरल वैल्यूज़ पे और जो आप लोगों का इमोशनल जो डेवलपमेंट है जो माइंड का उस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन जो कि वर्तमान काल में अभी इतना नहीं है, वर्तमान समय में हम नहीं देखते। वर्तमान में ज़्यादातर थीसिस बच्चों को पढ़ा दी जाती हैं, उनको आप मैथ पढ़ लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, लेकिन जो उनका जो इमोशनल विकास है वो नहीं हो पाता है। इसीलिए वो जीवन की छोटी छोटी सिचुएशन में बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो इसीलिए इन्होंने एक तरह से केयरिंग की बात कही कि जो केयरिंग मॉडल है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं, तो इस भावना को इन्होंने कैसे डेवलप किया है उसकी बात करती हैं। और इन्होंने फिर फोर्थ इनकी बुक है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन पे इन्होंने बुक लिखी है। और हैप्पीनेस एंड एजुकेशन, एजुकेशन में हम किस तरीके से बच्चों को एक लविंग और एक हैप्पीनेस, हैप्पीस्ट होने के लिए कैसे उसको सिखाएं, इस तरीके से भावना, और वो किसी भी छोटी छोटी चीज़ों से फेस करने में ना घबराएं और वो एक तरह से लविंग पर्सन बने, ये इस बुक में इशारा किया गया है। अब सिक्स बुक है इनकी कि वुमेन एंड ईवल, इसके बारे में बात की है। सेवन बुक है, सेवन बुक के बारे में बात करती हैं कि स्टार्टिंग एट होम केयरिंग, यानी कि जब बच्चों की जो केयरिंग का हम बच्चों को सिखाते हैं तो ये हम होम से ही सीखते हैं। होम में जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, एक तरह से उनका जो रिलेशन होता है वो बहुत उसमें लव होता है, प्रेम भरा होता है कि एक दूसरे की देखभाल करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। उसी तरीके से बच्चे भी सीखते हैं अपनी पेरेंट्स की केयर करना, अपने छोटे भाई बहनों की केयर करना। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक तरह से होम से, घर से ही शुरू होती हैं, इस बारे में ये बुक है। और सेवन बुक है इनकी, सेवन्थ जो बुक है वो है एजुकेटिंग फॉर इंटेलिजेंट बिलीफ, यानी कि जब हम लोग एजुकेशन लेते हैं तो जो टीचर बताते हैं, जो टीचर बताते हैं उनका जो अपनी बिलीफ के हिसाब से जो उन्होंने देखा है उसको बताते हैं कि हाँ ये बात सही है, लेकिन उनको वैसे ही फॉलो कर लेना ठीक नहीं है। अपने इंटेलिजेंट को यानी अपनी तर्क शक्ति को भी हमको देखना चाहिए कि टीचर जो कह रहा है वो अपने बिलीफ सिस्टम से कह रहा है तो वो बात कहाँ तक सही है, यानी अपनी बुद्धि को भी हम लोगों को, अपने इंटेलिजेंट बिलीफ को भी देखना चाहिए, इस बारे में बात की गई है। बच्चों तो सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि जो ये कहना चाहती हैं कि सबसे बड़े, इन्होंने एक फेमिनिस्ट थी और एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने बहुत कार्य किया है,
ये जॉन डीवी से भी बहुत प्रभावित थी। तो इसी के साथ बच्चों ये इनके मेन पॉइंट हैं, और ये जो बुक्स हैं ये बुक्स आप ज़रूर लर्न कीजिए, क्योंकि इन बुक्स से बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसी के साथ बच्चों ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और इसको इस वीडियो को बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसको देखें, पढ़ें और समझें। धन्यवाद।